मार्केट में आया 10,000 का सिक्का। जी हाँ, हाल ही में 2,000 रुपए के नोट को चलन से बाहर किया गया है और इसके बाद अब 10,000 रुपए का सिक्का देखने को मिला है और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये तस्वीर देखने को मिला है महाराष्ट्र के नगर शहर में, जहां पर एक होटल मालिक को एक ग्राहक ने 10,000 रुपए का सिक्का दिया। इस सिक्के को देखकर होटल मालिक के भी होश उड़ गए। सिक्का देखने के बाद उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। इस सिक्के की चर्चा शहर भर में फैली हुई है। इस सिक्के को देखने के लिए होटल में भीड़ लगनी शुरू हो गई है। इस सिक्के के बारे में उन्होंने बताया कि यह सिक्का चांदी के रंग की तरह चमकीला है। इस सिक्के के एक तरफ 10,000 रुपए की आकृति बनी हुई है, दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र है। रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती हिंदी और अंग्रेजी में छपी है। इस सिक्के पर रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर के नीचे 1861 से 2011 तक का समय अंकित है। होटल मालिक ने यह भी कहा कि हमें यकीन नहीं है कि यह सिक्का असली है या नकली। हमने ये सिक्का ये मानकर स्वीकार किया कि ये त्योहार के मौसम में हमारे घर लक्ष्मी आई है। इस सिक्के को देखने के लिए नागरिकों की भीड़ लगी हुई है। और साथ ही आपको एक बात यहाँ पर बता दें, स्पष्ट कर दें कि सिक्के के संबंध में अभी तक RBI की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। इस बीच बैंक मैनेजर से संपर्क किया गया तो ये पता चला, ये जानने की कोशिश की गई कि क्या 10,000 रुपए का सिक्का चलन में है। इस संबंध में चर्चा करने पर बैंक के प्रबंधकों ने बताया कि फिलहाल ऐसा कोई सिक्का जारी नहीं किया गया है।